नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार, जमुई के जिलाधिकारी आवास से सीधा लाइव। दर्शकों, यहां देखिए, यह कलेक्ट्रिएट है और शौचालय का हाल मैं दिखाना चाहता हूं। जैसा कि जानते हैं, जब अधिकारी के सामने का शौचालय का ये हाल है, जैसा कि मैं अपने सहयोगी से जाऊँगा दिखाने के लिए, यहाँ जब घास फूस उगा हुआ है, तमाम जो है सुविधा से वंचित है। कोई भी आम जनता, हो सकता है आम जनता के लिए ये शौचालय बना हुआ हो, लेकिन यहाँ घास फूस उगना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अधिकारी का जो भी कर्मचारी या फिर जो भी से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरी तरह से लापरवाह है। सरकार के पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। आम जनता या फिर जो भी अधिकारी हैं या फिर जो भी लाभुक हैं, उसका लाभ ले सके। हमारे साथ समाज सेवी गौरव सिंह राठौर जुड़ेंगे, मैं उनसे बात करके बताने का प्रयास करता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। शौचालय का हाल देखिए, जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने ताला बंद है, पूरा घास फूस लगा हुआ है। कहीं ना कहीं नहीं लगता सरकारी खजाने का पैसा का दुरुपयोग हुआ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश पूरा कोरोना को लेकर के त्रस्त है, साफ सफाई पर जहां सरकार बात करती है हमारा भारत स्वच्छ होगा, हमारा जिला स्वच्छ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही दर्शाता है जिला अधिकारी के द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा। जो स्वच्छता अभियान का नारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, स्वच्छता अभियान को चलाया जाए, उन्होंने कई जगह पर खुद से झाड़ू लगा करके साफ सफाई का काफ़ी देख रेख किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ठीक समाहरणालय के सामने जो शौचालय बना हुआ है एकदम जो है जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। शौचालय का ताला भी लगा हुआ है, उस पर जो चढ़ने वाला पायदान होता है वो बिल्कुल तरह से टूटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द कई सारे जंगली जो घास पल रहे हैं, जो घास वृक्ष पल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा की निशानी भी है कि आम आवाम को कहीं किसी तरह का कोई परेशानी ना, कोई सांप बिच्छू काट ना ले, तो इसको लेकर के भी सतर्कता नहीं बरती गई। अगर मान लीजिए शौचालय नहीं बनाना था या बन भी गया, अगर किसी तरह से यहाँ पे कचरा जमा हो गया, तो इसको ब्रेकिंग करके झाँप देना चाहिए ताकि सुरक्षित हो सके आमजन, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारी खजाना का दुरुपयोग है, बंदरबांट है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का शौचालय जो बना है, अगर लाभ नहीं होता है तो क्यों बनाया जाता है, सरकार का पैसा क्यों व्यर्थ किया जाता है? उससे अच्छा है किसी झुग्गी झोपड़ी जो बेचारा का जिसका छत चूरा है, जिसकी बेटी शादी के लिए घर बैठी हुई है, कम से कम वो सब पैसा उनको दे दिया जाए ताकि उनका जीवन सफल हो सके, सार्थक हो सके। थैंक यू। रोक दे।